नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। मीडिया को लेकर विदेश ही नहीं देश में ही इमरान खान सरकार का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सरकार धमकी और दबाव के जरिए मीडिया का गला घोट रही है। बिलावल ने कहा कि सरकार जनता से अपने गैर कानूनी कामों, भ्रष्टाचार और अक्षमता को जनता से छिपाना चाहती है। इमरान खान सरकार ने अपने मुताबिक ना बोलने वाले एंकरों और स्वतंत्र पत्रकारों को टीवी स्क्रीन से हटवा दिया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर अपने विचार रख रहे हैं। बिलावल ने यह बात विश्व प्रेस स्वतंत्र दिवस पर कही थी। बिलावल ने सरकार को चेतावनी दी कि स्वतंत्र मीडिया के दमन के कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और ये किसी समय फूट सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया को दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए। इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के महासचिव अहसान इकबाल ने कहा है कि चुनाव में लगातार हार का सामना करने के बाद अब तहरीक ए इंसाफ पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से चुनाव कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में सत्ता पक्ष के जेहन में ये विचार नहीं था, लेकिन अब उपचुनाव में लगातार हार के बाद ये निर्णय लेने पर विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।